हे मत्स्य नरेश, आपके विचार में यह युद्ध जीतने का क्या उपाय है? गंगा पुत्र के रहते तो यह युद्ध कोई जीत ही नहीं सकता महाराज। किंतु उनके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है मत्स्य नरेश। यही तो कठिनाई है, नहीं तो मैं अब तक उनके जीवन वृक्ष को ना जाने कितनी बार काट चुका हूं। राधा दृष्टद्युम्न, उनके विषय में ऐसे कठोर स्वरों का उपयोग ना करो। तो क्या उनके चरण स्पर्श करूं और ये कहूं कि हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप ही के कारण जो युद्ध हम एक दिन में जीत सकते थे उसे हम 9 दिन में भी जीत ना पाए? ये तो बड़ा ही क्षत्रिय विचार है भ्राता दृष्टद्युम्न। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं जाकर उनके चरण स्पर्श करूं? उन जैसे महात्मा का चरण स्पर्श तो बड़े सौभाग्य की बात है ना राजकुमार। इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उनके आशीर्वाद के अतिरिक्त और कोई प्रसाद है ही नहीं। किंतु आपके जाने से कुछ नहीं होगा, बड़े भैया जाएं और गंगा पुत्र ने इन्हें जो विजयी होने का आशीर्वाद दिया था उसे लौटा आए। उनका आशीर्वाद लौटा वासुदेव? हाँ बड़े भैया, यदि उनके आशीर्वाद और आपके बीच स्वयं वही धनुष में वाण लगाए खड़े हैं तो फिर उनके उस आशीर्वाद का क्या अर्थ? भूखे के सामने सोने की थाली किंतु रिक्त। भूखा क्या थाली खाएगा बड़े भैया? यदि उन्होंने विजयी होने का आशीर्वाद दिया है तो उनके उस आशीर्वाद की रक्षा भी तो वही करेंगे ना। किंतु माधव। पार्थ, किसी किंतु का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वे जानते थे कि इस धर्म युद्ध में वे तुम्हारे विरोध में युद्ध करेंगे। वे ये भी जानते थे कि उन्होंने इच्छा मृत्यु का कवच पहन रखा है। वे ये भी जानते थे कि कौरव सेना के प्रधान सेनापति स्वयं वही हैं और जब तक वे वीरगति को प्राप्त नहीं होंगे तब तक पांडव सेना की विजय संभव नहीं। तो फिर उन्होंने विजयी होने का आशीर्वाद दिया ही क्यों? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते मामाश्री? मैं क्या जानता हूं इसे छोड़ो वत्स, परंतु बड़े भैया और पितामह के बीच में मैं क्यों पढ़ूं? ये तो पौत्र और पितामह की अपनी व्यक्तिगत समस्या है, तो ये तो बड़े भैया जाने और पितामह जाने। बड़े भैया, आप चाहें तो पार्थ को भी साथ लेते जाइए। आओ पुत्र, आओ। विजयी भव वत्स, विजयी भव। हम यहां आशीर्वाद लेने नहीं आए पितामह, हम तो अपनी आंखों की ओर से यह आभार प्रकट करने आए हैं कि उन्हें रणभूमि में परशुराम शिष्य भीष्म के दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम तो अपने शरीर की ओर से आभार प्रकट करने आए हैं कि हमारे शरीर को आपके वाणों से खाओ का प्रसाद मिला, किंतु हमें कोई आशीर्वाद ना दीजिए पितामह, कोई आशीर्वाद ना दीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो वत्स, क्या कह रहे हो?
या मुझसे आशीर्वाद न लेने का अर्थ यह है वत्स कि तुम मेरी गिनती शत्रुओं में करने लगे। हम ये पाप कभी नहीं कर सकते पितामह, किंतु हम आपसे विजयश्री का आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहते। पर क्यों पुत्र क्यों? क्योंकि हम ये नहीं चाहते पितामह कि आपका आशीर्वाद अपराधियों की भांति हमारे सामने सिर झुकाए खड़ा हो, क्योंकि हमारी विजय और हमारे बीच में स्वयं आप खड़े हैं पितामह, स्वयं आप। हाँ पुत्र, तुमने ठीक कहा है, तुम्हारे और तुम्हारी विजय के बीच में खड़ा तो अवश्य हूं, पर विवश हूं पुत्र, बीच से हट नहीं सकता। ना तो मेरी पराजय संभव है, ना ही मत। जब ही तो वासुदेव ने कहा कि युद्ध के पहले दिन जो आपने आशीर्वाद दिया था वो आशीर्वाद मैं आपको लौटा दूं। अच्छा अच्छा, तो ये वासुदेव ने कहा है, उनसे कहना पुत्र मैं दी हुई वस्तु वापस तो नहीं ले सकता, चाहे वो आशीर्वाद ही क्यों ना हो। किंतु पितामह, मेरा बाण काटो पुत्र, मेरा धनुष काटो पुत्र, मैं अति प्रसन्न होऊंगा, और मेरी बात न काटो, ये काम दुर्योधन के लिए छोड़ दो। क्षमा चाहता हूं पितामह। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, क्या कह रहा था मैं? हाँ, माधव से जाकर कहना कि दी हुई वस्तु में वापस तो नहीं ले सकता, चाहे वो आशीर्वाद ही क्यों ना हो। उससे जाकर यह भी कहना कि वो तो भली भांति जानते हैं कि अंत में जीत तो उन्हीं की होगी, क्योंकि वही आरंभ है, अंत भी वही और मध्य भी वही। वो ये भी जानते हैं कि तुम्हारे और तुम्हारी विजय के बीच से इस गंगा पुत्र भीष्म को हटाने का उपाय क्या है। यदि कोई नारी सामने आ जाए तो यह परशुराम शिष्य अस्त्र को हाथ नहीं लगाएगा, फिर इस निहत्थे को रणभूमि से हटाने में तुम्हें कोई कठिनाई तो नहीं होगी प्रिय अर्जुन? किंतु रणभूमि में नारी कैसे आ सकती है पितामह, यह तो क्षत्रिय मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। वासुदेव ने तुम्हें जो कुछ पूछने को कहा था प्रिय युधिष्ठिर, मैंने वो बता दिया। अब मर्यादा का यह प्रश्न लेकर तुम उसी के पास जाओ। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव।